एक ओर जहां भीषण गर्मी और लू की लपेटों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग लगातार इससे बचने के उपाय कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में पानी को लेकर संकट बरकरार है। यहां पीने के पानी से लेकर बाकी तमाम उपयोगों के लिए पानी मिलना नामुमकिन सा लग रहा है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी में तनातनी जारी है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कल ही योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करें। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और वहां पर याचिका दायर करती है कि हमें अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करवाई जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार की अतिरिक्त पानी की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी हो रही है। तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में टैंकर माफिया और पानी भी लीक होता है, ऐसे में इसे सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी तरफ से तमाम दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड पिछले एक साल से कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपर यमुना रिवर बोर्ड की 5 जून को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दौरान बताया कि यमुना रिवर बोर्ड मामले को देखता है, वह सभी राज्यों के संपर्क में रहता है। सिंघवी ने दलील दी कि हीट वेव चल रहा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। अब आपको बताते हैं कि जो दिल्ली जल संकट है उसको लेकर राजनीति खत्म नहीं हो रही है। एक और आम जनजीवन लगातार पानी की समस्या को झेल रहा है, लेकिन राजनीति है कि वह मानती ही नहीं है। चाहे वह आदमी मरता हुआ दिखाई दे, चाहे कोई जिंदगी से जूझता हुआ दिखाई दे, लेकिन राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरीके से केवल आरोप मढ़ाया जा रहा है, जबकि जो बिजली पानी इन सब की आपूर्ति आम आदमी पार्टी की सरकार यानी दिल्ली सरकार के कामकाज में आती है, पर लगातार आरोप मढ़ने का सिलसिला वो जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी मानने को तैयार नहीं है। एक और बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम जो आपूर्ति है जल की, जितनी पहले से हम लोगों से मांग की गई थी उसके अलावा भी हम दे रहे हैं। कल जब दिल्ली की जो आतिशी है, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, जल बोर्ड मंत्री भी हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने एक लेटर लिखा है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की और यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लेकिन उसके बाद जब नायब सिंह सैनी यानी हरियाणा सरकार के चीफ मिनिस्टर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमें जितनी पानी की आपूर्ति करने को कहा गया है उतनी हम कर रहे हैं, यानी उससे भी आवश्यकता से अधिक जो बीजेपी बता रही है कि जितनी जल आपूर्ति होनी चाहिए उससे भी ज्यादा हरियाणा सरकार कर रही है। लेकिन ऐसा कोई बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार इसको लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी भी इस पर थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन लिहाजा देखना यह होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या आदेश देता है। फिलहाल उसने कहा है कि जो बैठक है उसे जल्द से जल्द इमरजेंसी बैठक बुलाई जानी चाहिए और यह बैठक भी चुनाव के परिणाम आने के बाद होगी, यानी 4 जून के बाद। अब देखना यह होगा कि क्या यह निपटारा होता भी है या फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल द खबरदार न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।